हाँ जी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल की बेसिक स्ट्रक्चर्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेल चाहे एनिमल सेल हो या प्लांट सेल, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सेल कंसिस्ट ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। प्लांट सेल होगा तो उसमें सेल वॉल होती है, अदरवाइज आउटर मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होती है, एनिमल सेल में भी, आउटर मेम्ब्रेन सब में ही होती है। बस प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है कि उस आउटर मेम्ब्रेन के आउटसाइड से सेल वॉल होती है, बट मेम्ब्रेन इज देयर। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल दैट सेल इज आउटर मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, दीज आर द टू बेसिक आउटसाइड स्ट्रक्चर आर देयर। एंड इनसाइड दीज, जैसे कोई भी सेल है, इस सेल के अंदर ये आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे न्यूक्लियस है इसका, एंड अदर बॉडीज हैं इसके अंदर, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। एंड इस सेल मेम्ब्रेन की जो इंटरनल पार्ट है सारा का सारा, दैट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। एंड प्रोटोप्लाज्म दैट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज न्यूक्लियस एंड रेस्ट, अदर रेस्ट ऑफ पार्ट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। एंड दिस न्यूक्लियस एंड अदर पार्ट इज नोन एज साइटोप्लाज्म, दीज आर द टू पार्ट्स, प्रोटोप्लाज्म, दिस इज द होल पार्ट, दिस इज विच इज प्रेजेंट इनसाइड दिस मेम्ब्रेन। ये सारा का सारा क्या है? प्रोटोप्लाज्म। इट इज क्लासिफाइड इन टू टू पार्ट्स, वन इज न्यूक्लियस एंड अनदर इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म फर्दर क्लासिफाइड इंटू टू पार्ट्स, वन इज साइटोसोल एंड अनदर इज आर ऑर्गनलीज, एंड दीज आर द ऑल ऑर्गनलीज। ये सारी ऑर्गनलीज के नेम। Since nucleus is not a cell organelle, that is a part of protoplasm, not a part of cytoplasm. जो cytoplasm के part हैं, organelles उसमें होती हैं, जो cytosol में float करते हैं। इसके अंदर ये nucleus, nucleus को छोड़ दे, बाकी सारे में एक fluid field है, उस fluid को क्या बोलते हैं? cytosol। और उसमें ये bodies float कर रही हैं, ये bodies को क्या बोलते हैं? organelles। Different organelles are there, various organelles which are present, mitochondria, chloroplast, endoplasmic reticulum, इसको ER भी कह देते हैं, Golgi body, lysosome, ribosome, centrosome, vacuole, these are present inside the cytosol. We have to study or discuss all of these, nucleus, nucleus को भी उसको explain करना है। First, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज व्हाट? ब्रेन ऑफ द सेल, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस मतलब सेल का ब्रेन है। सेल, ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल दे आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन करता है, जैसे हमारी बॉडी में, उसी तरह से न्यूक्लियस इज, that is the brain, and nucleus control all activities inside the cell. Cell के अंदर जितनी भी activity होती है, वो सारी की सारी कौन control करता है? That is nucleus. It is the almost central body, and all functions which take place inside the cell, they are controlled by the nucleus. उनको nucleus control करता है. Nucleus consists of
major structures. One is nuclear membrane. This is the double layered membrane. This one, आप ये देखिए, outer layer and this is inner layer. ये two membrane हैं, outer and inner. You can see from here also, ये रही, ये outer एंड ये वाला पोर्शन जो है क्या है, इनर मेम्ब्रेन. डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है. अनदर इज, हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे. अ फ्लूइड इज फील्ड इनसाइड इट, इसके अंदर फ्लूइड फील्ड होता है जिसको न्यूक्लियर मतलब क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर सैप बोलते हैं या न्यूक्लियोप्लाज्म वर्ड यूज करते हैं. आप जो है मेम्ब्रेन के लिए वर्ड यूज करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप. अ फ्लूइड इज फील्ड इनसाइड इट, उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियस है. देयर इज वन और टू सॉलिड बॉडीज आर देयर एंड दिस सॉलिड बॉडी, दिस वन, ये सॉलिड बॉडी, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोलस. मे बी वन और मे बी टू, टू भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि वन ही रहेगा. एंड क्रोमेटीन थ्रेड, दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट, दिस इज द न्यूक्लियर थ्रेड. इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. दिस इज ओनली न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोपोर है. ये एंडोप्लास्मिक शो कर रखें जो साथ में जो है, बट ये जो है दिस इज द न्यूक्लियर एनवलप. टू मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, और दिस मेम्ब्रेन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, लगातार नहीं है, देर आर पोर्स इन इट, और इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोपोर. ये रहा न्यूक्लियोपोर. पोर है इसमें फॉर एक्सचेंज ऑफ मेटीरियल विद इन साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में से मेटीरियल को एक्सचेंज करने के लिए इसके अंदर क्या है, पोर्स हैं. दीज आर नोन एज न्यूक्लियोपोर. ये देखिए इसमें ये शो न्यूक्लियोपोर, तो न्यूक्लियर पोर और न्यूक्लियोपोर दोनों ही वर्ड यूज करते हैं. तो इसके अंदर न्यूक्लियर पोर होते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल. ये बेसिक स्ट्रक्चर है. सिंस न्यूक्लियस दैट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल विच कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं. सो इट इज नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल एंड इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन 1831. उसने वो किया था. ऑल टाइप ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन दोज इंफॉर्मेशन विच ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जिससे किसी भी ऑर्गेनिज्म की उसके पेरेंट के साथ रिजेम्बलेंस होती है, सिमिलरिटीज होती हैं, वो इंफॉर्मेशन जो है उनको हम हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन बोलते हैं. वो इंफॉर्मेशन जो है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं उन्हीं को, तो वो हेरिडिटरी और जेनेटिक इंफॉर्मेशन दे आर स्टोर्ड इनसाइड द न्यूक्लियस. तो वो सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है इसके अंदर होती है. सेल में जितनी भी एक्टिविटी फंक्शंस होते हैं जो एसेंशियल है लाइफ के लिए, उनको मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोलते हैं. जो लाइफ के लिए एसेंशियल होंगे वो मेटाबॉलिक, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वो सारी कौन कंट्रोल करता है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियो, न्यूक्लियस दैट कंसिस्ट ऑफ डबल लेयर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, हमने पहले भी वो कहे, एंड इट कंसिस्ट ऑफ पोर्स इनसाइड इट, उसके अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं. एंड इट सेपरेट द न्यूक्लियस और न्यूक्लियर सब्सटेंसेस फ्रॉम साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से सेपरेट करते हैं. इट इज मेड अप ऑफ मेनली प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. वो तो मेम्ब्रेन जितनी भी हैं वो सारी की सारी प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की ही बनी होती हैं. इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आप क्या बताएंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप दैट इज डबल लेयर मेम्ब्रेन, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, इट सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म. इनसाइड इट देर आर पोर्स, उसमें पोर होते हैं.
these are known as nucleopore, and this nuclear pore help in exchange of material within nucleus and cytoplasm. मतलब cytoplasm में from cytoplasm and nucleoplasm there exchange of material take place through these pores. Nucleoplasm is what? Nucleoplasm is the fluid material which is encloses inside the nuclear membrane. जो nuclear membrane के अंदर जो ये fluid material है, liquid material है, that is known as nucleoplasm. इसको हम क्या बोलते हैं? Nucleoplasm बोलते हैं. And it consists of nucleolus, chromatin material, यानी chromatin thread. इसके अंदर ये चीज़ होती है, क्योंकि इसके अंदर देख क्या है, nucleolus है. This nucleolus and nucleolus present है and chromatin thread present है, जो इस तरह से ये हैं. तो these are present inside it. किसके अंदर? Nucleoplasm के अंदर. Another is nucleolus, solid body which is present here, उसको हम nucleolus बोलते हैं. Nucleolus जो है क्या होता है? Dark होता है, dense, solid, rounded body. तो dark staining होती है, dense है, rounded body है, and it do not consist of any membrane around it. इसके roundabout कोई membrane नहीं होती है, and it is present in all nucleus, maybe one or in some maybe more than one. And it is the storehouse of main important baat hai ye, RNA and proteins. RNA and proteins ka storehouse hai. And it is associated in formation of ribosome. Kyunki main protein के सोर्स कौन होते हैं? राइबोसोम होते हैं. और राइबोसोम की फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है? न्यूक्लियोलस. तो दैट्स वाई प्रोटीन का सोर्स, आरएनए का सोर्स भी है, एंड राइबोसोम फॉर्मेशन करता है. नेक्स्ट इज क्रोमेटिन थ्रेड. क्रोमेटिन थ्रेड, दीज आर एक्चुअली प्रोटीन टाइप थ्रेड, एंड दीज आर मतलब प्रोटीन थ्रेड्स होते हैं. दीज आर नोन एज क्रोमेटिन थ्रेड because that is made up of chromatin material. Chromatin material के बने होते हैं, इसलिए इनको हम chromatin thread बोलते हैं. When cell division take place, जब cell division होती है, at the time of cell division, they help in division of cell. They condense to form chromosome. तो ये condense होके chromosome form कर लेते हैं, और वो chromosome के अंदर DNA and RNA सारा उसी में होता है. तो DNA consist of, that contain DNA, मतलब क्रोमेटीन थ्रेड. दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, प्रोटीन थ्रेड्स हैं, एंड दीज प्ले इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन. जब एक सेल डिवाइड होता है तभी न्यू सेल बनते हैं. आपको बताया था कि कोई नया सेल नहीं होता, अपने आप में कोई नया जनरेट नहीं होता, जो सेल है वही डिवाइड होके न्यू बनाता है. तो सिंस जब सेल डिवीजन होती है तो ये क्रोमेटीन थ्रेड जो है क्या हो जाते हैं? कंडेंस हो जाते हैं एंड फॉर्म क्रोमोसोम. और क्रोमोसोम में क्या होता है? DNA, deoxyribonucleic acid, and that DNA is responsible for transmission and storage of hereditary information from generation to generation. मतलब हर एक generation से दूसरे generation में जो characters transfer होते हैं, information start transfer होती हैं, that is transferred by DNA. और DNA कहाँ होता है? क्रोमोसोम में. ठीक है, करेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? आप समझ रहे हो, ये वर्ड आ रहा है बार बार. मतलब ये कि आप देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट्स जैसा होता है, पेरेंट्स वाले करेक्टरिस्टिक नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग, नेक्स्ट जनरेशन में भी आ जाती हैं. वो क्यों आ जाती हैं? क्यों कोई भी देख के हमें कह देता है कि अपने पेरेंट्स का नेम लेके कि ये उन जैसा है? हमारे हैबिट्स अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा मैच करती हैं. वाई? चाहे वो फेस, कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे हमारे फेशियल एक्टिविटीज़ हो, चाहे हमारे फेसेस वैसे मैच करते हों, चाहे हमारे आईज मैच करती हों, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर मैच करती हो. वाई? बिकॉज ऑफ द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, बिकॉज
दीज आर ट्रांसफर्ड बाय डीएनए। डीएनए जो है वो ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से वही करेक्टरिस्टिक्स, सम ऑफ दोज करेक्टरिस्टिक विद लिटिल चेंज दे कम इन टू द नेक्स्ट जनरेशन, अगली जनरेशन में आ जाती है। और ये सारा काम क्रोमोसोम का होता है, क्योंकि डीएनए क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। और इनके अंदर भी मैं आपको बता देता हूँ, एक और सेगमेंट होते हैं जीन्स। डीएनए के सेगमेंट होते हैं जीन, जीन के अंदर इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट इज, ये आपको बता दिया मैंने कि क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं, एंड जीन्स जो हैं दीज आर द सेगमेंट ऑफ डीएनए, एंड एक्चुअल में डीएनए की और क्रोमोसोम की फंक्शनल यूनिट जीन्स होती है, और वही ट्रांसफर करते हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस? एक फंक्शन तो हमें सीधा समझ में आ गया कि इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेकेंड हमें वो भी पता लग गया कि इट हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इट रेगुलेट द लाइफ साइकिल ऑफ द सेल, सेल का लाइफ साइकिल को रेगुलेट करता है, एंड दैट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द सेल बाय डायरेक्ट एंड सिंथेसिस ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन। मतलब ये सेल को जो है क्या करता है, उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। इट डायरेक्ट ऑल फंक्शंस, या आप कहें कि मतलब इट गिव डायरेक्शन टू ऑल फंक्शंस, इट कंट्रोल टू ऑल फंक्शंस, आप वर्ड यूज़ कीजिए, कि सारे फंक्शन जितने भी सेल के अंदर होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है। इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो मेन मेन बात सीधी है, इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, आप ये बात कह दीजिए। सेकेंड, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। थर्ड, इट हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इतनी चीज तो आप, ये तो कॉमन बात है, ये कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन के बेस पे ये टॉपिक बीच में डाल दिया मैंने, पहले डालना चाहिए था वैसे तो। सेल मेम्ब्रेन के बेस पे, न्यूक्लियस के बेस पे, एक्चुअली इसीलिए यहां पे डाला कि इसमें न्यूक्लियस का भी रोल है। ऑल सेल्स दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। किस बेस पे? सेल मेम्ब्रेन यानी सेल ऑर्गेनलीज जो होती हैं, आगे हम ऑर्गेनलीज करने वाले हैं इस करके, एंड न्यूक्लियस के बेस पे, टाइप ऑफ न्यूक्लियस। देर आर टू टाइप ऑफ सेल्स, वन आर द प्रोकैरियोटिक सेल एंड अनदर आर यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, देर आर टू टाइप ऑफ सेल। इफ न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड एंड देर आर नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनलीज आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म, देन इट इज नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल। सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में आउटर मेम्ब्रेन होती है, और इनर मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनलीज उसमें प्रेजेंट नहीं होते। ओनली आउटर मेम्ब्रेन तो रहेगी सब में, वो तो मैंने आपको बताया ही था कल भी, कि दैट टाइप ऑफ सेल इन विच न्यूक्लियस इज लैक ऑफ मेम्ब्रेन एंड नो और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनलीज आर प्रेजेंट, दे आर नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल्स। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, दीज आर द प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक, दोज ऑर्गेनिजम्स विच कंसिस्ट ऑफ, मतलब ऑर्गेनिज्म इन विच सेल आर वेल। आप ये कही कि यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, कि दीज आर द टाइप ऑफ सेल और दीज आर द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ सच टाइप ऑफ सेल विच कंसिस्ट ऑफ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, जिनका न्यूक्लियस क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है। देर इज नो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनलीज आर प्रेजेंट।
जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनलीज हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल। जस्ट लाइक सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, दे आर यूकैरियोटिक सेल, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनलीज नहीं होती और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होती तो वो वेल डेवलप नहीं होगा, मिक्सअप होगा, दैट इज द प्रोकैरियोटिक सेल। और जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक। डिफरेंस क्या है आप ये समझिए, मैं आपको एक सिंपल फिजिकल एग्जाम्पल देता हूँ। जस्ट लाइक आप एक शॉप पे जाते हैं और आपने एक पॉलीथीन ले लिया, मतलब वो आउटर मेम्ब्रेन है, और फिर आपने डिफरेंट डिफरेंट आइटम लिए, 2 kg शुगर पॉलीथीन में डाल दी डायरेक्ट, 1 kg सॉल्ट डायरेक्ट पॉलीथीन में डाल दिया, दे आर नॉट पैक्ड, पैक्ड नहीं है, बिना पैकिंग के आपने चिली पाउडर लिया उसमें डाल दिया, कोरिएंडर पाउडर लिया उसमें डाल दिया, इस तरह से डिफरेंट आइटम्स ले, टी लीव्स डायरेक्ट उसमें डाल दिए, व्हाट विल हैपन, ऑल विल मिक्स टुगेदर। अनदर केस और लीजिए, ये प्रोकैरियोटिक बात हो गई। अनदर, आपने वैसे ही पॉलीथीन लिया, फिर आपने 2 kg शुगर ली बट पैक्ड इन अ पॉलीथीन, पैक्ड है उसमें डाल दी, 1 kg कॉमन सॉल्ट लिया पैक्ड है उसके अंदर डाल दिया, चिली पाउडर पैक्ड उसमें डाल दिया, लाइक दैट पैक्ड आइटम लिए वही और पॉलीथीन में डाल दिए, एक में क्या है, पैक्ड नहीं है, मिक्स हो गई। तो जो मिक्स है जिसमें पैक्ड नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, प्रोकैरियोटिक टाइप, और जिसमें पैक्ड अलग अलग हैं वो क्या है, यूकैरियोटिक। एक्चुअल में क्या है कि इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जैसे गोल्गी बॉडीज हैं ये प्रेजेंट ही नहीं होते, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट ही नहीं होती प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में सारी बॉडीज पैक्ड हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है बट न्यूक्लियस इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड, वेल डेवलप्ड नहीं होता, और इसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है, वेल डेवलप्ड है, बिल्कुल सेपरेट दिखता है। कौन सा पावर जनरेट, जस्ट लाइक यूकैरियोटिक के अंदर तो पावर जनरेशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया से होती है, ठीक है ना, इसमें डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होती है साइटोप्लाज्म में। पावर जनरेट का मतलब क्या है कि फूड, जो हम फूड खाते हैं वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है और ब्लड उसको एब्जॉर्ब करके सेल तक लेके जाता है, मतलब टिश्यू तक लेके जाता है, टिश्यू से वो सेल में एंटर हो जाता है। इसी तरह जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो उस ब्रीदिंग में भी ऑक्सीजन, जब हम ब्रीद करते इन करते हैं तो लंग्स में से उस ऑक्सीजन को ब्लड लेके और उन सेल्स तक वैसे ही पहुंचा देता है। अब सेल के अंदर जाने के बाद सेल में ऑक्सीजन भी आ गई, सेल में फूड भी आ गया, यूकैरियोटिक सेल है तो वन पोर्शन ऑफ दैट विल टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, और फिर साइटोप्लाज्म के बाद वो एंटर कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके एनर्जी जनरेट हो जाएगी, क्लियर। प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो सारे के सारा जो है, जो फूड डायरेक्ट फीडिंग होती है इसके अंदर, तो ऑक्सीजन भी डायरेक्ट आती है, तो वो एंजाइम्स होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, तो इसकी बॉडी में भी फूड को डाइजेस्ट एंजाइम ही करेंगे, और फिर डायरेक्ट जो ऑक्सीजन अंदर आई है वो साइटोप्लाज्म में ही उस फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, अलग से माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, इसमें साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है, और इसके अंदर हाफ पोर्शन जो है साइटोप्लाज्म में और हाफ पोर्शन किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो लास्ट फाइनल प्रोसेस जाके वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं,
दैट्स वाई जब हम माइटोकॉन्ड्रिया करेंगे इसमें तो हम ये कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि पावर वहीं पे जनरेट होती है और वहीं पे स्टोर हो जाती है। इसके अंदर पूरी बॉडी में साइटोप्लाज्म होती है, वैक्यूल जनरल नहीं होता क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है वैक्यूल। तो भाई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते, क्लियर? और इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें सिर्फ प्रोकैरियोट के अंदर सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन होती है, बीच में कोई मेम्ब्रेन और नहीं होती। और उसके अंदर आपको अभी तो बताया कि एक पॉलीथीन लिया, उसमें आपने सारी चीज़ें मिक्स कर दी और उसमें क्या है अलग अलग में पैक किया, इस तरह का डिफरेंस है। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट और फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइड मटेरियल है दैट इज साइटोप्लाज्म। ये आप साइटोप्लाज्म जो है मतलब कौन सा पोर्शन, दिस पोर्शन, ये पोर्शन पूरा का पूरा क्या है साइटोप्लाज्म, द फ्लूइड कंटेंट विच इज प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर सेल मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में जो है ये जो इसके और इस आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो ये येलो पोर्शन दिख रहा है, दिस होल येलो पोर्शन इज साइटोप्लाज्म। येलो नहीं होता ये, मैंने वैसे कलर यहां पे है दैट्स व्हाई है। तो इट इज द फ्लूइड मटेरियल विच इज प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज द फ्लूइड पार्ट एंड अनदर आर द सॉलिड बॉडीज कॉल्ड ऑर्गेनेल्स विच फ्लोट इनसाइड इट। हमने ट्री चार्ट की क्लासिफिकेशन में बात की थी इसकी। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स होते हैं इसके, वन इज द साइटोसोल एंड अनदर इज द यानी कि फ्लूइड पार्ट एंड अनदर आर द सॉलिड बॉडी दैट इज ऑर्गेनेल्स। साइटोसोल दैट इज ओनली फ्लूइड पार्ट इन विच ऑर्गेनेल्स फ्लोट, जिसमें ऑर्गेनेल्स क्या करती रहती हैं, फ्लोट करती रहती हैं, दैट फ्लूइड पार्ट इज नोन एज, दैट लिक्विड पार्ट इज नोन एज साइटोसोल। इट कंसिस्ट ऑफ approximately 90% of water, इसमें 90% water होता है, and rest of ions, enzymes, vitamins, carbohydrates, lipids, proteins, waste, ये सारी चीज़ें इसके अंदर present होती हैं। It consists of, देखिए, water, ions, enzymes, vitamins, carbohydrates, lipids, proteins, ये सब चीज़ें इसके अंदर present होती हैं। बस इस इत आगे की वो जरूरत नहीं आपको, इतनी बात था। तो इट कंसिस्ट ऑफ दैट, इसमें जो है प्रोटीन थ्रेड टाइप के फाइबर लाइक के सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द साइटोसोल एंड इसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स, एंड सेल ऑर्गेनेल्स वी शैल डू इन द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही काफी।